हरियाणा पंजाब सीमा पर धड़ल्ले से हो रही नशा तस्करी को रोकने के लिए प्रशासन ने विशेष कदम उठाए हैं। इसी के मद्देनजर सरकार के एक और सुधार सेल के डायरेक्टर रोकी मित्तल रतिया पहुंचे और लोगों से मुखातिब हुए। रोकी मित्तल के समक्ष लोगों ने नशे के कारोबार पर रोक लगाने की गुहार लगाई और साथ ही पुलिस पर नशे के कारोबार में मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। लोगों का कहना है कि पुलिस की मिलीभगत से ही यहां नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिसकी वजह से कई युवा अपनी जान तक गंवा चुके हैं। मैंने मेरे पास नशे के बारे में बातें आई थी और मैं कई परिवारों को मिलने वाला भी हूं, जिन लोगों के 25-25-30-30 साल के लड़के चले गए नशे के कारण, ओवरडोज के कारण। और कुछ यहाँ पे ग्रामीणों का आरोप है कि बाईपास पे नक्शा दिखता है और हमारे पुलिसकर्मी भी आए, CID वाले भी आए। मैंने एक ही बात बोली है कि आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए और उन पर शिकंजा कसा जाए। यदि पंजाब के बाइकर आते हैं और वो ऐसा करते हैं, उनको बाउंड किया जाए, ताकि क्योंकि हरियाणा के यदि जवानों की जवानी नहीं बचेगी तो क्या बचेगा। और मोदी जी का और मनोहर लाल जी का तो एक पहला ही सबसे बड़ा यही टारगेट है कि भाई हम नशा को ख़त्म करेंगे। और मेरी गारंटी है आने वाले टाइम में खुद मनोहर लाल जी ने बोला, CM साहब ने, कि भाई नशे के ऊपर काम किया जाए पूरे हरियाणा के अंदर, ये देखा जाए, लोगों की राय ली जानी चाहिए कि नशे बेचने वालों पे, नशा करने वालों पे क्या कार्रवाई की जाए, क्योंकि जनता ही बताएगी कि इनके साथ क्या सलूक किया जाए। कई बार मान लो कानून के रहते जल्दी छूट जाते हैं, उसका प्रावधान करेंगे। यदि विधानसभा में कोई नया कानून लाना पड़ा नशे के ऊपर, वो भी लेके आएंगे। लेकिन आने वाले टाइम में इस बात की गारंटी है कि हरियाणा के अंदर नशे वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आगे आप क्या कदम उठाएंगे, जिस तरह आपको शिकायतें मिली हैं आप यहाँ पे आगे कार्रवाई को लेकर? मैं कल गुलाची का, मैं जितना बॉर्डर एरिया है हरियाणा का और दिल्ली का NCR का जितना भी एरिया है, मैं वहाँ पे लोगों से मिल रहा हूँ, राय ले रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या क्या होता है। उसके बाद फिर हम कोई बीच में निष्कर्ष निकालेंगे और उनको सबको बुलाएंगे कि आप बताएं। मैंने इसे तो पूछा है कि नशा कैसे खत्म हो सकता है, तो जनता बताएगी तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। खुद मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों बोला था कि कई बातें ऐसी होती हैं अधिकारियों को नहीं पता होता, नेताओं को नहीं पता होता, लेकिन आप बीती जिनका लड़का मर गया, जिस बीवी का सुहाग उजड़ गया, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं उनका पापा चला गया, उनको ज़्यादा पता होता है कि इसका क्या मतलब है, क्या चीज़ है, क्योंकि दूसरों को नहीं पता होता। जिनके साथ दर्द होता है उनको ज़्यादा पता होता है। और आने वाले टाइम में इस बात की आप गारंटी मान के चलना कि ये दर्द नहीं होगा, किसी का बेटा नहीं जाएगा और नशे बेचने वालों को ही हम नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा वार्ड नंबर 2 के लोगों ने सुधार सेल के डायरेक्टर रोकी मित्तल के सामने घग्गर के दूषित पानी से निजात दिलाने की मांग भी रखी, जिस पर रोकी मित्तल ने मुख्यमंत्री से मिलकर जल समस्या के समाधान का आश्वासन लोगों को दिया। हिंद एक्सप्रेस के लिए रतिया से अशोक ग्रोवर की रिपोर्ट।